हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं करंट के बारे में। करंट हमारा कितने प्रकार की होती है, कौन सा करंट घातक होती है, कौन सा करंट कम घातक होती है। करंट होता क्या है, जब घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रिकल पार्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो गति प्रदान करती है उसको हम करंट बोलते हैं। करंट आज कितने प्रकार की होती है, सारे प्रकार के बारे में आपको बताया जाएगा बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, मेरे पास एक बोर्ड के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा करंट कितने प्रकार की होती है, कौन सा करंट कम घातक होती है, कौन सा करंट ज़्यादा घातक होती है। ये देखिए, मेरे पास एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको डायग्राम से। देखिए, करंट हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट, यानी कि एक एसी करंट और डीसी करंट। आपका सबसे नंबर वन होगा आपका पहला क्या होता है, एसी करंट। दूसरा क्या होता है आपका, डीसी करंट। अब एसी करंट का फुल फॉर्म क्या होता है, एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। और डीसी करंट होगा डायरेक्ट करंट, मतलब अल्टरनेटिव करंट। जो हमारा कम बेसी में चलता है उसको अल्टरनेटिव करंट करते हैं। जो डीसी करंट होता है, जो डायरेक्ट चलता है हमारा, उसको डीसी करंट बोलते हैं। देखिए, एसी करंट और इसके जन्मदाता के नाम, इसके जन्मदाता के, एसी करंट की जन्मदाता क्या होता है और डीसी करंट, एसी करंट जन्मदाता क्या होता है, निकोला टेस्ला। इसके जन्मदाता के नाम क्या है, निकोला टेस्ला। और डीसी करंट का, डीसी करंट के जन्मदाता क्या है, थॉमस अल्बस एडिसन। मतलब इनके अल्बस एडिसन थे। अब देखिए, एसी करंट का उत्पादन कितना होता है और डीसी करंट का उत्पादन कितना किया जा सकता है। अब देखिए, एसी करंट का उत्पादन होता है 36,000 वोल्ट तक उत्पादन किया जा सकता है, और डीसी करंट का उत्पादन कितना किया जाता है, 650 वोल्ट तक उत्पादन किया जा सकता है। और इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है और सबसे कम घातक कौन सी है, इसमें जो एसी करंट होती है, जो हमारा एसी इधर एसी वाला करंट होती है वो कम घातक होती है, लेकिन जब डीसी करंट की बात आती है तो इससे बहुत ज़्यादा घातक होती है, यानी कि वो डायरेक्ट कहीं भी जाती है, डायरेक्ट जाती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट डीसी करंट बोलते हैं। एसी करंट का उत्पादन और डीसी करंट का उत्पादन, एसी का 36,000 और इसका डीसी करंट का उत्पादन 650 तक होता है। अब देखिए, इसमें जो एसी करंट का जो गति होती है उसमें गति में दिशा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन डीसी करंट का गति में दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, इसमें कैसे गति में, एसी करंट का जो चाल होता है, जो गति होती है कैसे चलती है, इसका देखिए चाल ऊपर नीचे, मतलब कम ज़्यादा ऐसे, इसका गति का ऐसे होती है, मतलब कम ज़्यादा मतलब गति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन डीसी करंट का पथ में कोई परिवर्तन नहीं, एकदम सीधे डायरेक्ट जाती है, इसका कोई गति नहीं होती है। एसी करंट का क्या होता है, एसी का दूर तक जा सकती है, मतलब इसका करंट दूर तक, इसका गति दूर तक जाती है, लेकिन डीसी करंट का गति दूर तक नहीं जाती है। जो 36,000 उत्पादन होता है इसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम किया जा सकता है, जो डीसी करंट का उत्पादन होता है 650 तक इसको हम कम नहीं किया सकता। अब एसी करंट को डीसी बदलने के लिए क्या किया जाता है, जब एसी करंट को डीसी बदलने के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं, और डीसी करंट को एसी बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम आज इन्वर्टर और डीसी करंट का प्रयोग हम आमतौर पर घरेलू उपयोग के, जैसे हमारा बल्ब हुआ, टीवी हुआ या फैन हुआ, इसको चालू करने के लिए एसी करंट का प्रयोग करते हैं। और डीसी करंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर हो या इन्वर्टर की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी को स्टॉक करने के लिए हम डीसी करंट का प्रयोग करते हैं। अब डीसी करंट हमारा क्या होता है और एसी करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर से दो करंट लाते हैं अपने घरेलू उपयोग के लिए, तो उसमें दो सप्लाई आती है, क्या आती है उसमें से, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, यानी कि जब हम घर में करंट लाते हैं या जब हम घर की वायरिंग करते हैं तो दो करंटों की आवश्यकता होती है, एक होता है न्यूट्रल सप्लाई, एक होता है फेस सप्लाई। देखिए, उसमें दो कलर भी होता है, जब भी हम वायर लगाते हैं किसी घर में सप्लाई देने के लिए, दो वायर होता है, एक होता है रेड वाला वायर, एक होता है ब्लैक वाला होता है। हमेशा रेड वाले में क्या देते हैं, लाल वाले में क्या देते हैं, फेस सप्लाई देते हैं, और ब्लैक वाले में क्या देते हैं, न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। देखिए, न्यूट्रल सप्लाई कितना होना चाहिए हमारा और फेस सप्लाई कितना आना चाहिए, तो कभी भी न्यूट्रल सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर से आता है या खम्भे से आता है, उसका मानक क्षमता कितनी होती है, उसका मान 0.01, मतलब उसकी मानक क्षमता, जो करंट की आपका वोल्टेज होती है उसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0.01 होता है। और जो हमारा आता है, हमारा फेस सप्लाई कितनी आती है, हमारा जो रेड कलर में आता है फेस देते हैं हम, कितना आता है उसमें आपका ट्रांसफार्मर के हिसाब से आता है, कभी 150 आता है, कभी 200 आता है, कभी 250 आता है, लेकिन एक घरेलू उपयोग के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, मोटर, इसको उपयोग के लिए कितना चाहिए, 220 से 240 वोल्टेज की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब इसमें 150 से 200 या 220 तक होना
चाहिए, मतलब घरेलू कुएं के लिए हमारा कितना 150 से 200, 200 से 20 तक होना चाहिए। मेरे वीडियो में नए हैं और वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।